मम्मी आ रखी हैं। मम्मी को कज्जो ही निश्वास लग गया था अन्नू का, अन्नू से मिलने के लिए आ गई हैं मम्मी। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार इसके लिए। तो मैं मतलब मेरी मेहनत रेडी हो गई हूँ, रेडी हेडी कुछ नहीं हुई हूँ मम्मी। अन्नू को जा रही हूँ जंगल। और पहली ऐसी इन्वेस्ट है जो बहुत ही ज्यादा मतलब कामदार होने वाली है। अरे आगे आमा को पहचान लिया। आमा भाभी तैयार हो गई मार्केट के लिए? हाँ मैं तैयार हो गई। सही में दिल्ली से आए सतरंगी लड़की, कमजोर से भी हो गए। अब कितने वर्ष हो गए बुबू? 90 ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। सबसे पहले आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्ते प्रणाम। पहला सभी को मेरा मेरा नाम बबीता हिमांशु मुरारी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी धूप खिल के आई है। आज मैंने सुबह ही नहा लिया और नहाने के बाद ना मतलब सर्दी लगती है वो भी नहीं लगी, धूप भी सेक ली है। तो अभी मैं खूना जाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरा ना एक पार्सल आया हुआ है जो कि मैंने काफ़ी दिनों से उसका इंतज़ार कर रही थी, फाइनली वो आ गया है और काफ़ी महंगा भी है। तो क्या होने वाला है वो अभी दुकान जाके पता चलेगा। देखती हूँ दुकान जाऊँ या पापा को दे जाएंगे तो फिर पापा ही लेके आएंगे 2 घंटे के बाद। मैं नहीं खा रही इतना छोटा दाना, बड़का बड़का दे। तो अभी ना आज मेरे 2-2 पार्सल आने वाले हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हूँ। तो आपको भी दिखाऊंगी पार्सल में क्या क्या होने वाला है। मैंने ना जो YouTube की इनकम से ख़रीदा है और पहली ऐसी इन्वेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कामदार होने वाली है, बेस्ट होने वाली है, YouTube की इनकम से ही लिया है मैंने। और चलो अभी देखते हैं क्या है ना। अभी फ़िलहाल नाश्ता कर लिया है, चावल बना रही है मम्मी। और सुबह से ना शेर इतना खूंखार तरीके से घूंघा रहा है ना, मतलब दहाड़ रहा है हूँ करके ना, वो मतलब सुबह से डर का माहौल अभी भी बना ही है। थोड़ा सा अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। तो अब मैं ना 1-2 दिन में यहाँ से चले जाऊँगी, मम्मी कह रही हैं कि आ जा करके। तो फ़िलहाल 1-2 दिन हुई मैं अभी यहाँ, चलो फिर अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, लेट्स गो। भाभी तैयार हो गई मार्केट के लिए? हाँ मैं तैयार हो गई। सही में दिल्ली से आए सतरंगी लड़की सही में मुझे ना बाहर जाने के लिए इस कपड़े में मना कर रहे हैं, पर मैं इस कपड़े में अच्छा मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये पिछले दिन अपनी सासू माँ के साथ यानी कि ताई के साथ गई थी ना। हाँ। वो ताई हो देखो, तब दोस्तों मैं हीरोइन बन के गई थी, तब ये भाभी हीरोइन बन के गई थी। और आज ये अपने देवर जी के साथ यानी भाई के साथ जा रही है, तो मतलब क्या मतलब है छपरी बन के जा रही है इनको पता है ना इनको पता है बाइक में ही स्कूटी में ही जाना है, सीधे स्कूटी में ही आ जाना है। पिछले दिन तो पैदल चलना था तो थोड़ा तो थोड़ा अच्छा बन के गई। जंगल लकड़ी लाने आप जंगल लकड़ी लाने और चचा ये तो निकले जंगल की तरफ, बाघ आया है इसलिए तीनों साथ में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी रेडी हो गई है। कहाँ रेडी हो गई हूँ? रेडी हेडी कुछ नहीं हुई हूँ मम्मी, अन्नू को जा रही हूँ जंगल अकेले। क्यों अन्नू? मेरे फ्रेंड लोग चले गए, बाय कह रही है। देख रुचि जैसे बाहर को गई, बाय। मेरे फ्रेंड लोग चले गए हैं, मैंने उनको रुका के रखा है, आधे रास्ते में भी जाती हूँ। क्यों तेले रुके हैं? क्या है क्या है क्या है क्या है कालू? कालू से चढ़ के भौंक रहा है। तो ये मेरे बुबू के बड़े भाई हैं, इनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है तो दिन भर ये यहीं पर बैठे रहते हैं। बुबू तबीयत पानी कैसी है अब? कोई खास नहीं है, दवाई चल रही होगी ना। बुबू दिन भर यहीं पर बैठे रहते हैं और थोड़ा कमजोर से भी हो गए हैं अब। कितने वर्ष हो गए बुबू? 90 हो गए, बुढ़ापा ही हुआ। मम्मी भरेगी आप जानवरों के लिए पानी और पाइप लगा रही है मम्मी। धूप ही नहीं आई है अभी हमारे आंगन में। इसे पकड़ा, इसे देखियो। क्या नाम है? मान ना खाने। मान मान। मेरे बिल्ली मिठाई ना हो। तो चाची आई हैं नीचे घर में। चाची ने कहा मेरे साथ वीडियो बनाए, फिर भाग गई चाची। देखो चाची के बच्चे सब मिलके मेरी वीडियो देखते हैं। चाची थैंक यू। हाँ फाइनली पार्सल आ गया, थैंक यू पापा। उल्लू बना रहे थे पापा मेरे को, नील आया हूँ करके। आज मैं तो ये वो भी लाया हूँ। क्या क्या
अभी 22 जनवरी को वो है श्री राम मंदिर। अरे हाँ ये सबके पास आ रहा है घर घर में। ओए श्री राम मंदिर। अच्छा अक्षत। अरे हाँ ये पीले अक्षत क्यों मिल रहे होंगे पापा? उसको उठा पापा। पीले अक्षत क्यों मिल रहे हैं? 22 जनवरी को ये पूजा पाठ करनी है। नानू घर में कहाँ है? ठीक ठीक राम मंदिर के साथ उद्घाटन है। तो मेरी ना सासू माँ आई हुई है ऊपर दुकान के पास, वो गाय की तलाश में पैदल हमारे घर से खूना तक पैदल आ रखे हैं, क्योंकि ना आज गाड़ियों की हड़ताल है, एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। मतलब जो सवारी वाली गाड़ियां हैं वो नहीं चल रही, बस प्राइवेट पर्सनल गाड़ियां ही चल रही हैं। तो वो लोग पैदल आ रखे हैं वहाँ पर। अभी बात हुई तो मैं इधर तक गई थी कि उनका घर बता दे बोल रही थी, तो मैं उनको यहीं से बताया, चाचा को बोल दिया चाचा उनको उनके घर तक लेके जाएंगे जहाँ पे गाय है। बाकी ये देखो वो पार्सल आ गया है और इसमें तो इसको अनबॉक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई यार इसके लिए तो मैं, मतलब मेरी मेहनत की कमाई से ये आ रखा है और जिसे लेके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। चलो छत में चलते हैं, वहीं अनबॉक्स करेंगे। तो अपने घर से चाची लोग के घर तक का सफ़र पूरा हो गया है। अब यहाँ पे ना चाची लोग की बकरी के छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं, वो दिखाते हैं आपको। खुशी कहाँ है? अरे ये तो रहे ए ये काला हो रखा है, उठाना इनको। खुशी उठा काली रे काली रे जुनू कोलिए जिया 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 जिया। खुशी का नाम घर में खुशी ही है और स्कूल में होगा जिया जिया बिस्ट। पूरे ऊपर तक तो हम आ गए हैं लेकिन मम्मी जी फोन नहीं उठा रही हैं। मम्मी जी लोग यहीं आ रखे हैं और हम लोग यहीं पहुंच चुके हैं। चलो मिलवाती हूँ सासू माँ से। गाइस देखो सासू माँ और आमा यहाँ पर आए हुए हैं। ये है मेरी सासू माँ, ये है मेरी सासू माँ। अरे आ गए आमा को पहचान लिया। आमा को जय करो जय करो जय करो जय कर दे आमा को। आमा को जय कर दे जय कर दे जय कर दे। बॉक्सिंग 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 कौन जीतता है? चलो चलो बॉक्सिंग कौन जीतता है तुम दोनों में से? चलो तू जीत जाएगा, गणेशु जीत जाएगा। नहीं गणेशु जीतेगा, गणेशु ओए गणेशु जीतेगा, तू नहीं जीत पाएगा। मम्मी आ रखी हैं, मम्मी को कज्जो ही निश्वास लग गया था अन्नु का, अन्नु से मिलने के लिए आ गई है मम्मी। मंगलवार आ गई हूँ गाय को देखने के लिए है ना। तल्ली उछूमी भोलगन जो उनको इनु थे ना अल्ले जाने अल्ले जाने। तो अब मम्मी जी के साथ एक आध इंस्टाग्राम रील बनाती हूँ, उसके बाद मम्मी को जाने दूंगी। तो यहाँ पे गाय लेने के लिए आए थे और गाय पसंद भी आ गई है। उलट पीछे रह गणेशु, गणेशु को इतना अच्छा मान रही है। अनु धक्का मत दो, फिर बैनी को धक्का नहीं देते हैं बब्बू। ये देख अम्मा बच्ची आज गाड़ी नहीं है और मम्मी लोग के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा आगे। वैसे तो अभी गाड़ी के लिए गाय रखने मिस्त्री कह रहा सेट होना। अब मैं भी दो तीन दिन में घर को आई जाऊंगी तो मम्मी मेरे को यहाँ तक छोड़ बनाई। तो अब हम चलते हैं घर को, हम जाएंगे वाली रास्ते से। प्रणाम हाँ जब ये तो बैठे लेते हैं बात से चिता उमटे ना जानू तल्ली जान हो लू मैं मकान बड़ी वो उमटे कल्ली उठे। बाय दादी को बाय कर दे, बाय कर दे पीछे देख, बाय कर दे, बाय बाय। खूना से तो मैं पहले आ गई थी और आने के बाद ना मतलब पहले नहीं आई, एक डेढ़ घंटा रखा है। अभी शाम हो गई है देखो, मतलब शाम होने वाली है, सांझ हो रहा है और आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी। आज मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि बाघ आया बाघ। अभी ना नन्नू के कपड़े धोए,
भिगा के गई थी, भूल गई धोना, और इतना ठंडा हो गया हाथ, आप देखो उंगलियां ही नहीं चिपक पा रही हैं। तो मैं मम्मी की राह तक रही हूँ यहाँ से, मम्मी जंगल गई हुई है। दोस्तों सासु माँ का कहना है कि जल्दी घर आ जा, अब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। अब मेरे को 14-15 दिन तो हो ही गए हैं, मैं आई थी 18 तारीख को और आज 2 तारीख हो गई है, तो कम से कम मैं 1 महीने की छुट्टी आई थी। मम्मी कह रही हैं अब आ जा, अब देखती हूँ अगले हफ्ते तक मैं चली जाऊँगी या इसी हफ्ते चली जाऊँगी। बाकी आटा गूंथते हैं और किचन में चलते हैं। और आज ना मैं कद्दू उबालने वाली हूँ, ऊपर से लेके आती हूँ कद्दू, उसके चीरे बना के कढ़ाई में रख देती हूँ, मम्मी अपने आप पकाएगी। चलो चलते किचन में। तो आटा गूंथ दिया है, अब बारी आती है माइक अनबॉक्स करने की। लेकिन मैं सोच रही हूँ ना अनबॉक्स मैं अभी कर दूँ और इसका जो यूज़ है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ। और आप लोग ना मेरी वीडियो को भरपूर लाइक दीजिए और बाकी साथ में ना सब्सक्राइब भी करना चैनल को। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, साथ ही लाइक भी नहीं करते हैं। तो आज आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आने वाले टाइम पे और भी वीडियो आपको देखने को मिले ना। तो मैंने लोकेशन चेंज कर लिया है, तो ये मेरा माइक है, आपको दिख रहा है। तो ये मैंने अपने YouTube पेमेंट से लिया है, अपनी मेहनत से लिया है। और इसमें ना एक, अभी मुझे इसका इतना नॉलेज नहीं है, मैं पहले देख लेती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ब्लूटूथ कनेक्शन होता है इसमें, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें एक रिसीवर भी हमें मिलता है। चलो अब मैं इसको ओपन करती हूँ, नहीं इसको ना अगले वीडियो में ओपन करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो फिलहाल मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है, जब कुछ मेहनत की कमाई से आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहला चीज़ मैंने ये ख़रीदा है यूट्यूब के लिए, मतलब ऐसे और भी चीज़ खरीदा है, उसमें मेरे हस्बैंड की भी उनका भी हाथ रहता है। और पहली बार अपने पैसे से मैं बाकी की चीज़ें ना मेरे पतिदेव लेके देते हैं, उन्होंने सब कुछ खरीद के दे रखा है, फ़ोन, गोप्रो, और गोप्रो के ये फ़ोन के लिए चार्जर, इस फ़ोन में ना चार्जर नहीं मिला था। तो मैंने पहली बार कुछ इन्वेस्ट किया है अपने यूट्यूब के लिए, बाकी ट्राईपॉड वगैरह तो वही ऑर्डर करते हैं, इस बार मैंने किया है तो बहुत खुशी मिल रही है। चलो इसको ना नेक्स्ट वीडियो में अनबॉक्स करेंगे, और आप लोग भी वेट करो, मैं भी वेट कर रही हूँ आप लोगों के ही साथ इसे अनबॉक्स करूँगी। और कल की वीडियो में ना माइक से ही शूट करूँगी, और स्टार्टिंग से ही हम माइक से, मतलब माइक का रिव्यू करेंगे और देखते हैं माइक कैसा रहता है। अभी देखो पूरा पैक है, सुबह ही ऑन करूँगी इसको मैं, क्योंकि ना मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं है, मैं पूरा इसके बारे में पढ़ के फिर आपको बताऊँगी। चलो फिर फिलहाल कद्दू काटते हैं, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। चलो चाय वाय बना के मम्मी को पिलाती हूँ, मम्मी जंगल से आ गई है, ये लकड़ी लेके आई है।